हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ पेंटिंग जॉब करवाया था मैंने। पेंटिंग जॉब कराने में हुआ क्या कि गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, पूरा इंटीरियर गंदा हो गया। और ये जो पुट्टी वगैरह ये लोग लगाते हैं और ये रबिंग करते हैं, तो ये बहुत सारी डस्ट इसके अंदर आ गई। तो इस बार मैं गाड़ी की क्लीनिंग करूँगा, इंटीरियर क्लीनिंग फुल करूँगा और ये सारे दाग हटाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये हाल हो गया था गाड़ी का अंदर। तो इसको मैंने सबसे पहले काम क्या किया, वैक्यूम लिया और वैक्यूम से इसका एयर ब्लो किया कंप्रेस्ड एयर से, तो क्योंकि इसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं बारीक, वो सारे पार्टिकल्स ऊपर को ब्लो हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने ये 3M का फोमिंग इंटीरियर क्लीनर लिया है और ये इंटीरियर क्लीनर मैंने बाई मिस्टेक लिया था। एक्चुअल में मुझे लेना था कॉइल क्लीनर और गलती से मैंने ये ले लिया था, तो ये रखा हुआ था। तो आज मैं इसका यूज़ करके पूरा इंटीरियर को क्लीन करूँगा। तो देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट है और क्या क्या करता है ये। सबसे पहले देखिए, इसको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल इसको स्प्रे करना होता है हमें अपने डैशबोर्ड पे या अपने जो रूफ़ वगैरह है इन सब पे हमको स्प्रे करना होता है। क्योंकि होता है क्या है कि देखिए, डैशबोर्ड जो है हमारा, हमेशा हम लोग सिर्फ उसको पॉलिश करके लेते हैं, लेकिन पॉलिश करने के बाद उसमें गंदगी ज़रूर जमा होती है। हम सिर्फ ऊपर से उसको पॉलिश करते हैं, वो चमकने लगता है, उसको छोड़ देते हैं। तो इस बार मैं इसको बिल्कुल डीप क्लीन करूँगा और डीप क्लीन करने के लिए मैंने ये फोमिंग इस पर पूरा स्प्रे किया। और स्प्रे करके पूरा फोम, जहाँ जहाँ पार्टिकल्स गंदे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये फोम कुछ ज़्यादा ही उभर के आता है, यानी कि जहाँ वो गंदगी है वहाँ उसको काटेगा। इसके बाद मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन करना शुरू किया। क्लीन करना जब मैं शुरू करता हूँ तो थोड़ा सा ये भीगने लगेगा, यानी कि इसके अंदर इसका जो पानी है, लिक्विड है, वो लिक्विड सारा आने लगेगा। और आने के बाद देखिए, मैं इसको जब निचोड़ता हूँ तो गंदगी सारी इसमें निकल जाती है। इसको मैं दोबारा से वॉश करके लूँगा और फिर एक ड्राई जो माइक्रोफाइबर है, यानी कि एक अलग से रखा है मैंने, उससे मैंने इसको क्लीन किया, पूरा बहुत अच्छे से क्लीन किया। और ये वाले दाग हैं, ये देखते हैं ये भी इससे जाते हैं क्या, क्योंकि ये मिस्त्री लोग हाथ लगा के इस पर खड़े होते हैं तो ये लोग निशान लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लगाया यहाँ पर और इसको सिंपल जब मैंने क्लीन किया, ये एक वेट और एक ड्राई, दो कपड़े रखने ही रखने हैं आपको। वैसे ही इस पे तो ऐसा लिखा था कि इसको रब कर सकते हैं हम ब्रश से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो तो रब करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे रबिंग की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने उसी कॉटन से थोड़ा सा रब किया। और दूसरी बारी देखिए सीट्स की, सीट को भी हम अक्सर ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं या फिर कहीं बाहर क्लीनिंग के लिए धुलने के लिए देते हैं, तो वो लोग सर्फ वगैरह लगा के या कुछ भी लगा के इसको साफ़ कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइम कम लगता है इसमें, टाइम कम लगता है और इंटीरियर डीप क्लीनिंग करता है। और ये देखिए, ये मैंने क्लीन किया, ये किया, इसको ऊपर से लगाएंगे तो फिर इसके अंदर ये गीला हो जाएगा, यानी कि ये पूरा वेट हो जाएगा। फोम निकल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, वेपोरेट नहीं होगा, ये सारा इसमें ही रहेगा। इसमें आप चाहो तो अच्छे से रब कर सकते हो, जैसे क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा गंदी थी तो मैंने इसको रब भी कर लिया कि ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और ये देखिए, ये इतनी गंदगी उसमें से बाहर निकल गई। तो इसी तरह से ये सारे दरवाजे वगैरह जो हैं, ये सारे भी मैं करूँगा इसमें। और गाड़ी में जो पानी आता था, वो पानी की वजह से क्या हुआ, नीचे कारपेट में भी रस्टिंग आ गई थी, तो वो रस्टिंग का भी मैं देखता हूँ इससे कि अभी निकलता है या नहीं निकलता है। पहले ये दरवाजे वगैरह हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये टॉवल जो बार बार गंदा हो जाता है, इसको निचोड़ने के बाद हमको एक साफ़ पानी में इसको धो के भी ले लेना है, और फिर उसके बाद जो है ड्राई टॉवल, उससे हमको इसको वाइप करना है। वाइप करेंगे तो बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी, बाद में इसके पॉलिश करेंगे, पॉलिश का भी तरीका बताऊंगा। और अब आते हैं रूफ की तरफ। रूफ को क्लियर करना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क होता है, और इसको क्लियर करने के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ईजी से इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट था उसका भी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, वो भी देख सकते हैं वहाँ से। फिलहाल तो मैं इस 3M से ही क्लियर कर रहा हूँ इसको, और देखते हैं क्या रिजल्ट। ये देखिए, इस तरह से मैंने हाफ रूफ पे भी लगाया है और हाफ पे देखेंगे रिजल्ट क्या इसका रिजल्ट रहता है। अभी मैं इसको लगा के थोड़ा सा रब करूंगा और रब करके इसको क्लीन कर लूंगा। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स वही दो हैं, दो स्टेप होने, एक स्टेप हमने थोड़ा सा रब करने का और दूसरा स्टेप दूसरे कपड़े से थोड़ा साफ करने का। और साफ करने के बाद थोड़ा सा ये रिजल्ट देखिए, ये मैंने पीछे नहीं किया है, इस तरफ नहीं किया है मैंने और उस तरफ कर रखा है, तो यानी कि रिजल्ट अच्छा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको ये रस्टिंग का, ये जो रस्टिंग पूरे कारपेट में हो गई थी, तो कारपेट पे जब मैंने इसको स्प्रे किया तो ये थोड़ा सा फूलने लगा, यानी कि ये बाहर आ रहा था, लेकिन रस्ट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया, जब तक मैं इसमें पॉलिश कर लेता हूँ। और पॉलिश सिंपल वही है, वैक्स पॉल की मैं पॉलिश करता हूँ, तो वैक्स पॉल की पॉलिश मैं इस पर लगाऊंगा। पॉलिश करने का भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ पॉलिश इस पर रफ करनी है और छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। और अक्सर होता यही है कि जब हम लोग वॉशिंग के लिए गाड़ी देते हैं या इंटीरियर क्लीन करने के लिए, तो ये लोग पॉलिश करके छोड़ देते हैं और वो ऐसा बिल्कुल गीला गीला सा चमकता रहता है, उसमें स्मेल आती है, तो हम सोचते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिश का मतलब ये है कि जब आप इसको लगा लेंगे अच्छे से, और लगाने के बाद इसको रब भी करना है आपको। रब कैसे करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी माइक्रोफाइबर से ही करना है। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए,
ये क्लीन किया, और अब एक माइक्रोफाइबर टॉवल लेना है और इसको रब करना है जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश कर इसको रब करने से क्या होगा, स्टिकीनेस जो है यानी कि जो ऑयल की एक लेयर ऐसी दिखती है वो लेयर इससे हट जाएगी और शाइनिंग आएगी, जो ग्लो आता है वो अच्छा ग्लो आता है इसमें, यानी शाइनिंग जो होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी, ऐसी नहीं होगी कि गीले पानी के जैसा कुछ पानी जैसा दिख रहा है वो वाली नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक लगभग कंप्लीट कर दिया इसको, और अब ये जो कारपेट पे मैंने लगा के छोड़ा था ये देखिए काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि एक बार और करूँगा तो और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये पूरी गाड़ी जो कि मैंने पॉलिश कर ली है और क्लीन भी कर ली है, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, यानी कि इजी था करना इसको, इसको ले सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है इसमें कंपनी का, और मैंने ये मार्केट से बाय किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।